गुरु विश्वामित्र के साथ जब आप सनत में जा रहे थे तो एक पत्थर की शिला थी, उसे नारे बना दिया। अरे केवट भैया, तो पत्थर है तो देखो भाई, मुस्कुराओ ना, हमारा दिल बना जा रहा है। लेकिन प्रभु बताओ ना, आपकी मुस्कुराहट से हम आप पर बतिया पे खाना पीना तक लेके नहीं आई, लेकिन हमारा तो भर गए, आपको देखकर हम बिल्कुल ऊर्जावान हो गए हैं। तो पत्थरा तो मार दिया है, और ये इसने क्या किया कि पत्थरा तो मार दिया है, और इसने हमको दूर किया है, दूर किया है, और मैंने तुमको जान लिया है। क्षीर सागर में घाट तुम्हारा, ये
शक्ति के शक्ति स्वरूपा सीता मैया यानी क्षीर सागर आपका शक्ति मैया आपकी ये लक्ष्मण शेष रूप में आप आपका और आज आप तो खाट मेरा नाव मेरी और इच्छा मेरी। अरे तुम हो सती तुम्हारा तुम आपन चलावत हो सती मतलब अपना चलाना और यहाँ हम अपना चलेंगे कि वहाँ तुम हो सती और यहाँ हम हैं सती। सती मतलब नियम कानून के साथ पद्धतियों के साथ जीवन पालन करना अपने अपने नियम का पालन पद्धतियों के साथ करना। बहनों थोड़ा रुके रहो बस समाप्ति होने वाला है कि वहां तुम हो सती तो यहां हम हो सती वहां तुम हो सती अपने मन के वहां चलाते हो तो यहां हम हो सती अपतला मोरे राजा आपको हमसे कोई विरोध है क्या? देखो भाई सबका हम पार करें तो हम तो बहुत विरोध ने भी सबका उतार दी थी तो आपसे कौन विरोध हमारा है? तभी तो आप हमें नाव के अपने नाव के द्वारा गंगा उस पार नहीं ले जाना चाहते। नहीं 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 आप गलत बोल रहे हैं प्रभु। मैंने कब कहा कि आप गंगा पार नहीं करूंगा तो मैंने तो केवल ये कहा कि आप अपने रज कमलों को धो ले दो उसके बाद फिर हम। अच्छा केवल भैया आप ये बताएं कि आप हमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पैर को धुलेंगे। हाँ प्रभु। तो क्या हर व्यक्ति जो आपके पास आता है आप सबके पैर धुलकर उस पर आप उतारते हैं उन्हें? भाई हम सबसे कहीं पैर धुलेगा हम जमा बतावा ना हम प्रभु पहले बता दिए हैं कि घाट हमारा नाव हमारी इच्छा हमारी हम जिसके पैर पखारने की हमारी इच्छा है हम कह रहे हैं मेरा मन है यहाँ मेरी चलेगी आपकी नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा केवल भैया ओ पार्वतीया यस पता नहीं कहाँ प्रभु हलबुलान पड़े हैं। अरे कहाँ है चिरकुआ के बप्पा? अरे जल्दी आ। अरे कौन बात हो गया कहाँ मार पर दर 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 लगाए? अरे देख जल्दी हम मने चले जा रहे हैं प्रभु जी चले जाइए हैं। कौन पर भाव? हमारे हमारे तपस्या के बल पर तू उतर जा। अरे कहाँ तरे गए जो समता इधर समता आ रही थे अब कहाँ तरे गए कौन प्रभु? अरे यहाँ पहले देख तो कौन आया है। अच्छा इंतजार कर हम आवत आई भैया। अरे पर्वतिया हाँ बेटौना बोले है आए वहाँ तर जाए प्रभु चूम प्रभु के दर्शन कर लिए। यहाँ लाखों पर वर्षों तक ऋषि मुनि तपस्या किया करते हैं आसानी से दर्शन नहीं होते तो हुआ अपे बेटौने को ले आए। अरे बेटौने अरे वही का पढ़ाए के लिए अब हम रखा ढूंढा है नजा भाई क्या गाड़ा मारे किए जहाँ मारा तुम प्रभु। हाँ भैया बोलो आप सिंगार डाली छोटी Yeah.
काम ना करना हम तो कहीं तो दर्शन कर आई थी हम गावत बजावत हूँ उनसे बता दियो कि कहीं यार रुके रहे तो नहीं तो नहीं तो कपाल उतारे और कूद जाए तुम कपाल उतारो तो बहुत शौकीन हो अरे हमारे हके तुम्हें जीना जीना हमारे हिंदी में बोल रहा था ना अंग्रेजी समझे थे अंग्रेजी में कोई बात करा था फटाफट बात करी
यही बड़े हम कहे तो महतारी बाप जैसे हुआ वैसे लोग ने शिक्षा दिलवा में तो हम तो सुने इतना ऊंचे से ना दिलवा दियो ना हमके पूरा तो दुखन पाओ तो के भास आपकी मिलन का सुरेंद्र जी तो मुंह अच्छा ऊंचा है। चलो अच्छा देर हो रही है पता नहीं देख हां बताओ ये प्रभु भाई बाप पता है आए अरे मोर अरे मोर अरे मोर चे भाई बाप पता है बताओ के नहीं ये प्रभु श्री राम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट अरे ये जोगी वेश में आए हैं क्योंकि इनको 14 वर्ष का पन मिला है वनवास नहीं समझती का अरे कौन कौन ने मोही मां बाप रहे जौन ये तने सुंदर सुंदर दरिकन का मां पठे देहन पानी में चुप 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 वह महतारी ये कहने रहो जौन हिया भेज दी सुन के महतारी तब दर्शन करके मेरे नौ का लेट अगर वो भाजे कुछ कर लेती बोल दे हां सही है ये के महतारी कुछ ना कहो तो कई कई बहुत अच्छी रही है नहीं तो राजपाट करते हैं तो होते थे अरे इनसे हम कह रहे हैं प्रभु से अपने पैर पथार दो हम नवैया पार कर ले बात अटकी पड़ी है अरे प्रभु भरजी है प्रभु मस्जिद है कि हम ऐसे पार कर भाई जब तक पैर नहीं धुलाएंगे तब तक हम पार नहीं करेंगे। हाँ प्रभु आप कहते हैं कि हमारे पैरों में रज का जादू है। हाँ हाँ वो तो है अगर हमारे पैरों में रज का जादू है हाँ तो आप हमारे पैरों को जब छूओगे अर्थात धुलोगे तो कहीं आप ही नारी बन गए तो ओहो सुनो सुनो प्रभु यहाँ है भैया आप कुछ जहाँ जितना समझो बहु चुप रे कहा नारी बन जाए अरे हमसे प्यार है गा तो अरे भैया चल हम जाने हम तो अंधेरा बन प्रभु आप कह रहे हैं कि आपके चरण में जब पखारूंगा तो मैं ही कहीं स्त्री बन जाऊं जो भगवान का सिद्धांत है जड़ का चेतन जड़ को चेतन करते हैं जड़ अर्थात निर्जीव वस्तुओं में जान पैदा करते हैं तो कि आप सबका उद्धार करते हैं तो अहिल्या को आपने वो पत्थर बनी थी तो पत्थर से उसको स्त्री बनाया था यानी जड़ को चेतन किया था और मैं चेतन हूँ तो मुझे आप यानी स्त्री बनाएंगे तो मुझे गिराएंगे तो आपके सिद्धांत में नहीं है कि आप अपने भक्त को तो गिराएं आप अपने भक्त गिराएंगे नहीं और बताएंगे लेकिन समझाओ नहीं कुछ चलेगा नहीं कोई समझाना बड़े राजनीति में निपुण हैं आप हम जानते हैं इसमें राजनीति कहाँ केवल भैया लेकिन आप कह रहे हैं अच्छा प्रभु एक बात बताओ हमारा का दोष है हम जौन गरीब हैं नीच जात के हैं सूद हैं यही बड़े आपका पैर छुआवे बटन है का कि सूद हमें पैर छू ली नहीं नहीं केवल भैया ऐसी कोई बात नहीं हमें तो यह लगा था नहीं नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं सुनो अच्छा अगर आप जो दम बतलो हो वही दम बतला दो बनवासी बन के तुम तो ठहरे बनवासी हो तुम तो ठहरे बनवासी उतराई क्या तुम दो नदी उस पार क्यों नहीं करना चाहते हाँ क्योंकि हम तो ठहरे बनवासी
से हम बतला लिया, लेकिन आप पैर पखाड़ लियो, देर न करो और पार्वतिया ढंग से दर्शन कर। अहे लक्ष्मण, देखो प्रभु पहले पाप पखारो तो दर्शन करी। उनका समझा लियो नहीं, हम आपका उतार दे पे, सीता मैया जी का उतार दे पे, उनका हमने उतारा। ऐसा मत करो केवल भैया, लक्ष्मण के आएगा अकेले क्या करेगा। लेकिन बात फंसी है भाई। क्या? जैसे आप 84 योनियों में लोगों को फंसा देते हो, उसी प्रकार बात फंसी है वही चरण पकड़वाओ कि नहीं। केवल भैया कहे लक्ष्मण की सेवा छुड़ाए रहे हो, कहे हम पातन महब का फंसाए रहे हो। हम किसी की सेवा नहीं छुड़ा रहे हैं भैया, केवल हम किसी की सेवा नहीं छुड़ा रहे हैं। जो आज जितनी भक्ति करेगा उसको आप उसी रूप में, जितनी भक्ति मिलेगा उसी प्रकार आप उसको दर्शन देते हैं। उसको आपकी सेवा, आपके चरण की सेवा करने का मौका मिलता है। और मैं माझी केवल ये समझता हूँ भगवान कि हमारे दिल में किसी प्रकार का कोई धूमिलपन नहीं है, साफ मेरा दिल है। क्योंकि मैंने सुना है निर्मल तन पावे प्रभु, प्रभु को जिसका मन तन निर्मल होता वही प्रभु उसी को दर्शन देते हैं, उसी का भला करते हैं। और आज मेरे घाट पर अगर आप आए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए आप मेरे पास आए हैं। और मैं किसी की सेवा नहीं छोड़, आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण की सेवा छुड़वा रहे हो, देखो हम किसी की सेवा एवं नहीं छुड़वा रहे हैं। हमारी भक्ति में है शक्ति, इसीलिए खड़े हैं आप प्रभु यहाँ, इसीलिए आए हैं आप। नहीं तो बहुत सारे घाट थे कहीं से चले जाते, लेकिन हमारे भक्ति की शक्ति आपको यहाँ खींच लाई है। लेकिन केवल भैया ये लक्ष्मण का जो जन्म हुआ है ना, हाँ हाँ, वो हमारी सेवा के लिए ही हुआ। अरे बैठ जा पहले, कुत्ता खड़ी है। और वो अयोध्या से हमारी सेवा करने के लिए दिखावा कर रहे हैं। लक्ष्मण हमारी सेवा करने के लिए ही अयोध्या से वन को आया है। प्रभु का है लक्ष्मण की सेवा छुड़ाए रहे हो, लोगों को बहुत कष्ट देते हैं, 84 लाख योनियों में भटकाते रहते हैं, उनका आप बड़े मुश्किल से उद्धार करते हैं। आपका जो सागर है, आपकी जो नदी है, उसमें आप ऋषियों मुनियों से कितनी तपस्या करवा लेते हो, फिर भी उनका भला नहीं करते हो। तो मैं आपको क्यों उतारूं? नहीं उतारूंगा, पहले चरण पकड़वाओ। अरे केवल भैया इतना नाराज मत हो, आप जबरदस्ती कर पाए हमें दरवाजे आए हैं। मैंने कहिए कल ही अपने घर के कुत्तों शेर हुआ था। अच्छा आप अपने उस लोग में चाहे जो हो, हमारे लिए तो तुम हमारे लिए हमें दरवाजे पर हो, समझ जाओ आगे ना कहना कहुआ प्रभु। अच्छा मान गए कि हमारा दिल एकदम चला जा रहा है कि प्रभु हमें सम्मुख खड़े हैं, तब भी हम उनको स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा केवल भैया हम आपको मान गए हैं, आज आपके सामने ये भगवान आपके सामने हार गया है और आप दास हैं और आपकी आज जीत हो गई है। अरे बोलो गंगा मैया की।